अस्सलाम वालेकुम लजीज़ दस्ता खान, मेरे इस चैनल पे सभी प्यारे व्यूवर सब्सक्राइबर्स, आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुश आमदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोलकाता के हर मोहल्ले हर गलियों में जो छोटे छोटे रोड साइड दुकान जो होते हैं उसमें इस रेसिपी को शाम के वक्त या सुबह के वक्त बनाया जाता है, जिसे बहुत लोग पसंद भी करते हैं और चाय के साथ खाते भी हैं, जिसका नाम है पफ। ये वेज नॉन वेज दोनों तरीके से बनाया जाता है और ये काफ़ी क्रिस्पी होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को पफ की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसे पफ भी कहते हैं, पॉप भी कहते हैं, तो आप इसे जो भी कहिए, बट कोलकाता में इसे पॉप कहते हैं। पफ हम लोग कहते, बहुत बाहर के लोग कहते हैं, बट जो कोलकाता के होते हैं इसे पफ नहीं पफ कहते हैं। तो चलिए पफ की रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, परफेक्ट रेसिपी है। इसके लिए मैं यहाँ पर ली हूँ मटन का कीमा, और कीमा हमें मशीन वाला चाहिए, एकदम बारीक कीमा, 250 ग्राम है। हरा धनिया हाफ कप, एक छोटा सा आलू है इस तरीके से कट कर लेना है, एक छोटा सा इसका प्याज हमें इस तरीके से भी कट कर लेना है, और यहाँ पे 4 से 5 मैं हरी मिर्च ली हूँ, मिर्ची अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, और हाफ़ टी स्पून मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, और हमें थोड़ा सा 2 से 3 पिंच हमें हल्दी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, और हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट है, नमक अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। पफ या पॉप बनाने के लिए हमें यहाँ चाहिए मैदा, यहाँ पे मैं 1/2 kg मैदा ली हूँ, और 3 टेबलस्पून ये डालडा है। हमें घी या रिफाइन ऑयल नहीं यूज़ करना है, डालडा यूज़ करना है, एकदम परफेक्ट रेसिपी। जिस तरीके से वो लोग बनाते हैं मैं वैसे आप लोगों के साथ इस रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक, 1/2 टी स्पून कलौंजी, 1/2 टी स्पून हमें इसे मिला लेना है। डालडा जब अच्छी तरीके से मिल जाए तब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बहुत ही सख्त आटा लगाना है, आटा एकदम सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बस ख्याल रखिएगा जितना कड़ा हो सके उतना कड़ा आटा लगाइएगा, और इसे 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखना है, इसलिए आटा थोड़ा कड़ा लगाएं, सेट होने में आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। आटा हमारा रेडी है, ये देखने के लिए एक उंगली से इस तरीके से पुश कीजिए, अगर उंगली बहुत हार्ड तरीके से अंदर जा रहा तो समझिए आटा हमारा लग गया, एकदम सॉफ्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आटा हमारा यहाँ पर रेडी है, तो मैं इसे ढक के रख देती हूँ इस मैदे को कम से कम 15 मिनट के लिए। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून सरसों का तेल है, तेल गर्म भी हो चुका है, अब मैं प्याज को डाल देती हूँ। प्याज हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, प्याज आलू मैं एक साथ डालूंगी, और मिर्ची ये तीनों को एक साथ में डालना है। अब हमें इसमें मिला देना है कीमा, अब इसे लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट हमें और पका लेना है, और इसे कवर करके पकाना है, उसके बाद हमें डाल देना है धनिया। धनिया डालने के बाद हमें 2 मिनट और भी पका लेना है, तब मैं धनिया अभी नहीं डालूंगी। हरा धनिया मैं यहाँ पर डाल दी हूँ, दिखला नहीं पाई, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, और हमें हरा धनिया डालने के बाद अच्छे से ढक के 2 मिनट और कुक कर लेना है, और बीच में एक दो बार चला भी लें वरना नीचे से जल जाएगा, और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, इसमें पानी बिल्कुल ही ऐड नहीं करना है, इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। स्टफिंग देखिए रेडी है,
और इसे मैं अच्छे से ठंडा कर लेती हूँ। और आटा अच्छे से सेट हो चुका है और इस टिफिन में हमारा ठंडा हो गया है। चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। हमें एक बॉल लेना है, सारे बॉल को इस तरीके से बना लेना है, इस तरह से नींबू के साइज़ का देख लीजिए। और हमें इसकी रोटी एकदम पतली बेलनी है, मोटी नहीं होनी चाहिए वरना जब हम फ्राई करेंगे तो क्रिस्पी नहीं होगा, इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। देख लीजिए इतना पतला होना चाहिए और थोड़ा सा आटा लगा लगा कर इसे बेलें तो काफ़ी पतली हो जाएगी ये। तो इस तरीके से मैं सारे रोटी को बेल लूँगी और उसके बाद हमें स्टफिंग करना है। देख लीजिए इसे फोल्ड करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। बस एक बार इस तरीके से फोल्ड करना है, एक बार इस तरीके से, और एक फोल्ड हमें फ्रंट में फोल्ड करना है, एक हमें बैक में फोल्ड करना है। देख लीजिए ये फ्रंट वाला हो गया, थोड़ा सा पानी लगा दें वो चिपक जाएगा, और बैक में भी थोड़ा सा पानी लगा दें। देख लीजिए बस हल्का सा थोड़ा सा दबा देना है, रेडी हो गया हमारा पफ। बस इसे फ्राई करना, इसी तरीके से सारे को मैं तैयार कर लूँगी। और इसे मैं फ्राई करूँगी रिफाइन ऑयल में। इस तेल में मैं बच्चों के लिए भी फ्राई की थी। और सारा पफ बन के हमारा रेडी है, इस तरीके से हमें रेडी कर लेना है। अब चलिए फटाफट से मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो इस बात का ख्याल रखिएगा, जब तेल थोड़ा सा गर्म हो तब हमें उस वक्त पफ डालना है। और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है दोनों तरफ से, हाई फ्लेम पे फ्राई करने से ये क्रिस्पी नहीं होगा, इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। जब हम पफ को डालेंगे फ्राई करने के लिए तो उसके ऊपर हमें गरम गरम इस तरीके से तेल डालना है। ये तेल डालने से पता है क्या होगा, छोटे छोटे बबल्स सारे पफ पे आने शुरू हो जाएंगे, जिससे पफ दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा, बिल्कुल मार्केट जैसा। यहाँ पे हम बच्चों के लिए भी मैं स्टफिंग तैयार की थी, देख लीजिए। देख लीजिए कोलकाता स्टाइल पफ बन के रेडी है और ये काफ़ी क्रिस्पी है, इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, देख लीजिए। और ये बहुत ही खस्ता भी है, देख लीजिए। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और इसे सॉस के साथ सर्व कीजिए। और इसे मैं सॉस के साथ खाकर बता रही हूँ इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी, मैं बता नहीं सकती। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। एक बैग में आप इसे रखते जाइए और किसी को भी आप देंगे तो लगेगा नहीं कि आपने घर में बनाया है, ऐसा लगेगा कि आप मार्केट से मंगाए हैं। देख लीजिए कहीं से नहीं दिख रहा है कि ये मार्केट का नहीं है,
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। तो मेरी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।